ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। तो आप सुधार कीजिए, लेकिन आप अस्थाई भर्ती क्यों रोक रहे हैं सुधार के नाम पे? जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है? फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है, तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है। सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार साथियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, और गर्मी बहुत है, थोड़ी जो है जगह की आप लोगों को कमी महसूस हो रही है, एसी की कमी महसूस हो रही है, तो जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो आज का विषय है उस पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार प्रदेश की जो इकाई है, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं और तमाम साथी, हमारे प्रभारी जी हमारे साथ हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पटना में ये प्रेस वार्ता करने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी इसी वक्त 1 बजे से ही पूरे देश में दर्जनों शहर में एक साथ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो विषय है अग्निपथ की बात, युवाओं के साथ विश्वासघात। इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम ये कह रहे हैं कि अग्निवक्त पथ योजना इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सरकार घोषणा करके गायब हो गई, सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब भी कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है सरकार को, तो वो सेना को आगे कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया, आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा। और जितने मंत्री थे सब अपने अपने सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया है उसके माध्यम से योजना के फायदे गिनाने में जुट गए। फायदे गिनाते गिनाते कुछ तो भाजपा के नेता ये भी फायदा गिना दिए कि आप अग्निवीर बन करके जब आएंगे तो आप कुशल ड्राइवर बन सकते हैं, कुशल नाई बन सकते हैं। एक तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। ये सब चीज़ आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरी योजना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही है कि ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए सरकार को अन्य योजनाओं के साथ जो उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने नोटबंदी के साथ किया, आप लोगों को याद होगा, बोले थे ना कि 50 दिन में अगर सारी समस्याएं ठीक नहीं होगी तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे, घोषणा करके जापान चले गए थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को याद होगा, जैसे अभी जर्मनी गए हुए हैं, वास्को डी गामा की तरह घूमते रहते हैं। उस योजना के बाद भी जितने दावे किए गए थे, आप सब ये प्रश्न पूछिएगा कि नोटबंदी के बाद दावे किए गए कि काला धन वापस आ जाएगा, RBI ने कहा कि पुराने नोट लगभग वापस आ गए, तो काला धन कहाँ गया? और आपकी सूचना के लिए स्विस बैंक में
भारतीयों का जमा पैसा आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ, जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज़्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया, कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, एक साल से ज़्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, सब तरह के आरोप उन्होंने झेले, क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया, आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया, उनके ऊपर थार दौरा दिया गया, मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अरेड़ है कि यह गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि आज ही जिस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे थे, इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है जिसका मजदूर विरोध कर रहे हैं, और ये जो अग्निपथ योजना है उस अग्निपथ योजना को के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं, उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं उनसे पूछिए, मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके किस योजना की समस्या क्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि हम कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप सुधार कीजिए, लेकिन आप अस्थाई भर्ती क्यों रोक रहे हैं सुधार के नाम पे? हमारे हाथ में अगर कोई समस्या है तो आप इसका इलाज करेंगे कि इसको काट करके फेंक देंगे? अगर हाथ काटने की स्थिति है तो आप वो बताइए देश को, क्या इस देश में हमारे जो सेना प्रमुख थे जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक CDS का पोस्ट खाली है, वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज यदि CDS बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थाई सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए अपने ऊपर रख करके, मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूँ, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है? आप चाहते हैं कि सुधार हो तो सुधार के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, और जो हमारे वेटरन्स हैं, जो सेवानिवृत्त हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, उनके लिए स्पेशल कमीशन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बनाया गया, और प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने कहा कि और सुधार की जरूरत है,
और उन्होंने कहा वन रैंक वन पेंशन हम लागू करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है, और वन रैंक वन पेंशन को समाप्त करके नो रैंक नो पेंशन कर दिए हैं। नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है, और चार साल क्यों, तीन साल क्यों नहीं, पांच साल क्यों नहीं। ये चार साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा चार साल, पांच साल क्यों नहीं। चार साल इसलिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो TADA का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनन फानन में जो है दो अमेंडमेंट लाए गए, मतलब योजना आई ही है, दो अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर है, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं, और जितना प्रमुख सम्मान है क्या वो 30 वर्ष से ज्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है कि छुपा रहे हैं देश से। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उस पर खर्च होता है, ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे, ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है, यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला है तो उसकी जीत हुई है, उसमें अगर किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए।